हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 3A डिमांड एनालिसिस का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने लॉ ऑफ डिमांड को समझा, साथ ही साथ हमने उसके स्केड्यूल डायग्राम और उसके एक्सप्लेनेशन को समझते हुए अजम्पशंस भी समझे। अल्फ्रेड मार्शल बेसिक और कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर समझा रहे हैं और उसी के तहत हमने HSLL को समझा, यानी हाइयर प्राइस स्मॉलर डिमांड, लोअर प्राइस लार्जर डिमांड। चलिए आज के इस वीडियो में एक्सेप्शंस को बारीकी से समझ लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आप नए हैं तो जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, यहां आपको ढेर सारे वीडियोस चैप्टर वाइज मिल जाएंगे और वहां से आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से नजर डालते हैं लॉ ऑफ डिमांड के इंट्रोडक्शन और हार्ड कोर स्टेटमेंट पर। जी हां दोस्तों, इंट्रोडक्शन बड़े ही सरल भाषा में हमें तीन चीजें अवगत कराता है कि भाई ये लॉ जो है वो अल्फ्रेड मार्शल ने लिखा है। कहां लिखा है भाई? तो किताब का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स और ये किताब कब आई थी? 1890 में आई थी। ये तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट, रिटन बाय अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन 1890। इसके अलावा ये लॉ किस बारे में है? तो इट इज एक्सप्लेनिंग अस द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। जी हां दोस्तों, तो तीन से चार सेंटेंसेस बड़े ही सरल तरीके से आप लिख सकते हैं। अल्फ्रेड मार्शल एक्सप्लेन दिस लॉ इन डिटेल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन 1890 और आखिर में दिस लॉ एक्सप्लेन्स फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। चलिए अब स्टेटमेंट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, स्टेटमेंट जो है ये हमने एकदम क्रिस्टल क्लियर पिछले लेक्चर में ही कर लिया था। दोस्तों, ये स्टेटमेंट है HSLL, यानी हाइयर है प्राइस तो स्मॉलर है डिमांड, लोअर है प्राइस तो लार्जर है डिमांड। जी हाँ दोस्तों, हाइयर प्राइस स्मॉलर डिमांड, जब प्राइस ज्यादा है, महंगा है तो लोग कम खरीदते हैं, हाइयर प्राइस स्मॉलर डिमांड, और जब लोअर प्राइस है, सस्ता है, तो लोग ज्यादा खरीदते हैं, लार्जर डिमांड। जी हां दोस्तों, HSLL के माध्यम से आप आसानी से स्टेटमेंट को दिमाग में फिट कर सकते हैं, लिख करके जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल हाइयर द प्राइस स्मॉलर इज द डिमांड, सिमिलरली लोअर द प्राइस लार्जर इज द डिमांड। जी हाँ, बड़े ही सरल भाषा में, बड़े ही आसान भाषा में अल्फ्रेड मार्शल का लॉ कहता है कि यार हाइयर प्राइस स्मॉलर डिमांड, HSLL, हाइयर प्राइस स्मॉलर डिमांड, लोअर प्राइस लार्जर डिमांड। लेकिन दोस्तों, यहां पर हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, कभी ना कभी कई चीजें लॉ के विपरीत भी एक्ट करती। कहीं ना कहीं दोस्तों, आपको ये समझना जरूरी है कि देर आर सर्टन एक्सेप्शंस एज वेल। दो हमारा लॉ तो ये कहता है कि आम कॉमन कंज्यूमर की टेंडेंसी ये है कि हाइयर प्राइस पे लोग कम डिमांड करते हैं, और जब सस्ता होता है, कोई सेल स्कीम है, कोई ऑफर है, कोई डिस्काउंट है, तो लोग ज्यादा डिमांड करते हैं, ये अक्सर देखा जाता है। लेकिन हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, और इसीलिए आज का आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेप्शंस, यानी कि ऑड मैन आउट, इस लॉ के विपरीत जो बिहेव करते हैं, ऐसी चीजों पर आज हम नजर डालेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण आंसर है, आसान सा है, आपको बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है एज एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड एंड एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो एक्सेप्शंस आपको लॉ के साथ लिखने हैं, यानी आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है, शेड्यूल डायग्राम एक्सप्लेनेशन देना है, और फिर एक्सेप्शंस लिखने हैं अगर आपको 8 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो चलिए एक बार एक्सेप्शंस पर नजर डाल देते हैं। दोस्तों, एक्सेप्शंस की बात आती है तो याद रखिए हमारा आसान सा शॉर्ट कोड, जी हां, आसान सा हमारा शॉर्ट कोड, दैट इज हाई जीपीएस। ये कुछ ऑड मैन आउट्स हैं, ये एक्सेप्शंस हैं लॉ ऑफ डिमांड के। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? HSLL, हाइयर प्राइस है तो स्मॉलर डिमांड है, और लोअर प्राइस है तो लार्जर डिमांड है। लेकिन हर बार ऐसा जरूरी नहीं है, और इसीलिए ये कुछ एक्सेप्शंस आपके सामने आते हैं, जहां 6 पॉइंट के एक्सेप्शंस हैं। सबसे पहले H फॉर हैबिचुअल गुड्स, I फॉर इग्नोरेंस, हैबिचुअल गुड्स आई फॉर इग्नोरेंस। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है G से जिफिन्स पैराडॉक्स, एक एक करके सभी को समझेंगे पूरे वीडियो में, अंत तक बने रहिएगा। पी से 2 पॉइंट्स हैं यहां पर, प्रेस्टीज गुड्स और प्राइस इल्यूजन, और आखिर में एस से स्पेकुलेशन। तो कुल मिलाकर के 6 पॉइंट्स का आंसर है।
एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आंसर का नाम हाई जीपीएस। चलिए बारीकी से हर पॉइंट को समझ लेते हैं। तो दोस्तों हाई जीपीएस में सबसे पहला पॉइंट निकल करके आता है एच फॉर हैबिचुअल गुड्स। और हैबिचुअल गुड्स की बात करें तो याद रखिए कुछ चीजें अक्सर आदत बन जाती हैं। हमने लॉकडाउन में भी देखा है दोस्तों, आदत से मजबूर लोगों को लाइनें लगाकर शराब की दुकानों के बाहर खड़े होते हुए। तो हैबिचुअल गुड्स के केस में हमारा अल्फ्रेड मार्शल का लॉ फंस जाता है। HSLL ये ट्रू साबित नहीं होता। अल्फ्रेड मार्शल का लॉ कहता है कि यार हायर प्राइस है तो स्मॉलर डिमांड है, लेकिन हैबिचुअल गुड्स के केस में यार प्राइस कुछ भी हो, तुम्हारी आदत है, तुम खरीदते ही हो, तुम डिमांड करते ही हो, एंड दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस। इसीलिए एक्सेप्शन बन जाता है। ड्यू टू हैबिट ऑफ कंजम्पशन सर्टन गुड्स लाइक टी इज परचेज्ड इन रिक्वायर्ड क्वांटिटीज इवन एट हायर प्राइसेस। यानी अगर महंगा है तो भी लोग उसका डिमांड करते ही हैं क्योंकि वो उनकी आदत बन चुका है। तो ये पहला एक्सेप्शन लॉ ऑफ डिमांड का एच फॉर हैबिचुअल गुड्स। बात करें आई से तो आई से आता है इग्नोरेंस। कई बार हम इग्नोरेंट हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता, हम ध्यान ही नहीं देते कि प्राइस एग्जैक्टली है क्या। तो जब हम इग्नोरेंट हैं ऐसे केस में भी हम ज्यादा प्राइस पे ज्यादा डिमांड कर लेते हैं क्योंकि हमें प्राइस का तो अंदाजा ही नहीं है कि दूसरे दुकान में वो कितने का मिल रहा है। हमने बस एक ही जगह पूछा, वहीं से खरीद लिया, तो भाई हमको पता ही नहीं था प्राइस क्या है, भले ही महंगा मिल रहा था हमने तो डिमांड कर लिया। तो ऐसे में भी HSLL फेल हो जाता है। जी हाँ, समटाइम्स ड्यू टू इग्नोरेंस पीपल बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी एट हाई प्राइस, क्योंकि वो इग्नोरेंट है, क्योंकि वो इग्नोरेंट है, उन्हें पता ही नहीं है प्राइस एग्जैक्टली क्या है, उन्होंने कभी इस बात को महत्व ही नहीं दिया, तो उन्होंने हाई प्राइस पर भी ज्यादा खरीद लिया। दिस में हैपन व्हेन कंज्यूमर इज इग्नोरेंट अबाउट द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी एट अदर प्लेसेस। उम्मीद करता हूं दोस्तों दो आसान से पॉइंट आप समझ गए होंगे। हाई जीपीएस हम पढ़ रहे हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, एच फॉर हैबिचुअल गुड्स और आई से इग्नोरेंस। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगले पॉइंट की अगर बात करूं तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इस पूरे आंसर का। हाई जीपीएस का ये जो जी है ना, दिस जी इज फॉर गिफिन्स पैराडॉक्स। जी हाँ, सर रॉबर्ट गिफिन एक महान इकोनॉमिस्ट, और इन्होंने ही बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस के जरिए अल्फ्रेड मार्शल को कहा कि भाई हर बार तेरा लॉ ट्रू हो ये जरूरी नहीं है, HSLL हर बार सही साबित हो ये जरूरी नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कंज्यूमर बिहेवियर होता है जहां पर विपरीत परिस्थितियों में आपका लॉ फेल हो जाता है। और सर रॉबर्ट गिफिन के इसी ऑब्जर्वेशन पर आधारित है गिफिन्स पैराडॉक्स। दोस्तों गिफिन्स पैराडॉक्स है इनफीरियर गुड्स के बारे में, यानी वो गुड्स जो अच्छी क्वालिटी के नहीं है, इनफीरियर क्वालिटी के हैं, थोड़े जल्दी खराब हो जाते हैं, ऐसी चीजें। दोस्तों इनफीरियर क्वालिटी गुड्स के केस में हम HSLL को फॉलो नहीं करते, हायर स्मॉलर लोअर लार्जर का जो मंत्र हमें अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है हम उसे फॉलो नहीं करते, कहीं ना कहीं हम उल्टा कर लेते हैं। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं दोस्तों। सिंपल सी बात है, बहुत ही सस्ते में आपको कोई चीज मिल रही है लेकिन उसकी क्वालिटी बेहद खराब है, आप सस्ते में उसे नहीं खरीदना पसंद करेंगे, आप नहीं खरीदेंगे क्योंकि आपको पता है कि यार सस्ता है लेकिन क्वालिटी तो खराब है। सिमिलरली अगर महंगे में कुछ चीज मिल रही है लेकिन बहुत सुप्रीम क्वालिटी की है, बहुत अच्छी है, तो आप जरूर एक बार सोचेंगे कि उसे परचेज कर ही लें। तो कहीं ना कहीं यही टेंडेंसी, यही विपरीत टेंडेंसी जो है वो यहां पर दर्शाई गई। एक बार रीड करते हैं, देखिए, इनफीरियर गुड्स और लो क्वालिटी गुड्स आर दोज गुड्स whose demand does not rise even if their price falls। ये कुछ ऐसे goods हैं जो जल्दी खराब हैं या खराब ही goods हैं, inferior goods हैं, तो इनका price कम भी हो जाए तो इनकी demand बढ़ती नहीं है। Law तो बोलता है small, lower पे larger है, लेकिन lower price पे larger demand inferior goods के केस में नहीं हो सकता। At times, in fact, ऐसा होता है कि demand decreases when the price of such commodities falls। तो ऐसी खराब चीजों का जब price कम होता है ना तो लोग इनफैक्ट खरीदना बंद कर देने, बोले नहीं यार पहले से खराब है और खरीद के वाट क्यों लगाने का, तो खरीदते ही नहीं है। यहां पर एक जबरदस्त सा उदाहरण सर रॉबर्ट गिफिन से रिलेटेड यहां पर दिया गया है। सर रॉबर्ट गिफिन ऑब्जर्व दिस बिहेवियर इन इंग्लैंड। उन्होंने इंग्लैंड में ब्रेड के संदर्भ में ये चीज जो है ऑब्जर्व की। उन्होंने देखा कि यार लोग अक्सर ब्रेड खरीद रहे थे लेकिन अचानक एक दिन उन्होंने देखा कि यार लोग मीट खरीदना पसंद कर रहे हैं क्योंकि ब्रेड की क्वालिटी खराब है। जी हाँ, he noted that when the price of bread declined, bread सस्ते में मिल रहा था, people did not buy more because of an increase in their real income। याद रखिए, people did not buy more, उन्होंने ज्यादा नहीं खरीदा, सस्ता था तो भी नहीं खरीदा,
क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि यार इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं दोस्तों उन्होंने इसे नहीं खरीदा। और साथ ही साथ अब वो पैसे बच गए उनके पास, ब्रेड के पैसे तो बच गए, तो उस ब्रेड के पैसे से जो परचेजिंग पावर इनका बढ़ा था, वो पैसे इन्होंने क्या यूज किए, सुपीरियर क्वालिटी का मीट खरीदने में यूज कर लिए। सिंपल सी बात है, मैं एक चीज खरीदता था कि आज उसकी क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लग रही है, इन्फीरियर क्वालिटी का लग रहा है, तो मैं वो नहीं खरीदता हूं। पैसे मेरे पास है ही, मैं कुछ तो खरीदने वाला था, अब उन्हीं पैसों से मैं मीट खरीदने की सोच लेता हूं, क्योंकि वो थोड़ा सुपीरियर क्वालिटी का नजर आता है। दिस इज कॉल्ड एज जिफिन्स पैराडॉक्स, यानी ये ऑपोजिट वैल्यूज है, HSLL के खिलाफ ये बातें जाती है। कहीं ना कहीं हाइयर प्राइस पे भी हाइयर डिमांड है और लोअर प्राइस पे भी यहां पर और लोअर डिमांड हो जाती है। तो पूरी तरह से अल्फ्रेड मार्शल के लॉ HSLL में ये ठेस पहुंचाता है। कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे होंगे कि सर रॉबर्ट गिफिन का ये ऑब्जर्वेशन क्लियरली इंडिकेट करता है कि इनफीरियर क्वालिटी का गुड्स है तो भाई वो लोग सस्ते में नहीं डिमांड करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आसान सा पॉइंट आप समझ पाए होंगे, जरूर इसको लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। ये अलग से भी कई बार पूछा गया है 4 मार्क्स के लिए, एक्सप्लेन जिफिन्स पैराडॉक्स या गिफिन्स पैराडॉक्स, ये जरूर आप इसको अच्छे से लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा। ये एक पॉइंट बाकी 5 पॉइंट के बराबर है, तो जरूर इसके ऊपर फोकस कीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, गिफिन्स पैराडॉक्स के बाद जो अगला पॉइंट निकल करके आता है वो है पी से प्रेस्टीज गुड्स और पी से प्राइस इल्यूजन। जी हाँ, प्रेस्टीज गुड्स प्राइस इल्यूजन, प्रेस्टीज गुड्स प्राइस इल्यूजन। प्रेस्टीज गुड्स वो है जो हमारा स्टेटस सिंबल बन जाते हैं। कई बार हमारे सोसाइटी में, समाज में एक इंपैक्ट डालने के लिए हमारे स्टेटस से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, तो वो महंगी भी होती हैं, तो हम उसे जरूर खरीदते हैं, जरूर परचेज करते हैं। जी हाँ, तो ऐसी एक्सपेंसिव गुड्स जो होते हैं ना, वो महंगे हैं तो भी उनकी डिमांड ज्यादा ही है। एक्सपेंसिव गुड्स लाइक डायमंड, गोल्ड एक्सेट्रा आर स्टेटस सिंबल। यार ये नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे, ये हम सोचने लग जाते हैं, और इसीलिए महंगा है तो भी इसकी डिमांड करते हैं। सो रिच पीपल बाय मोर ऑफ इट इवन व्हेन देयर प्राइजेस आर हाई, इवन इफ देयर प्राइजेस आर हाई, इवन इफ देयर प्राइजेस आर हाई। उम्मीद करता हूं आसान सा पॉइंट समझ गए होंगे। ये भी HSLL के खिलाफ है, हाइयर है लेकिन डिमांड फिर भी हाइयर है। लॉ तो बोलता है कि हाइयर पे स्मॉलर डिमांड होनी चाहिए, लेकिन यहां पर प्रेस्टीज गुड्स के केस में भी ऐसा नहीं होता है, इसलिए तो ये एक्सेप्शन है ना दोस्तों। एक्सेप्शन में अगला पॉइंट है पी से प्राइस इल्यूजन। कई बार हमारे दिमाग में ना एक भ्रम होता है, इल्यूजन का मतलब ही है भ्रम। कहीं ना कहीं याद रखिए, हम अक्सर ये सोच लेते हैं कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं तो यार अच्छे ही होंगे, यार ये तो भारी यार महंगा है, मतलब ये तो क्वालिटी में अच्छा होगा, गुची उची है, मतलब है, समझ रहे हो। तो यार ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की जो इल्यूजन बनी हुई है हमारे दिमाग में ना, इससे भी हम हाइयर प्राइस पे हाइयर डिमांड करते हैं, अल्फ्रेड मार्शल के खिलाफ हो जाता है ये। यस, कंज्यूमर्स हैव एन इल्यूजन दैट High priced goods are of better quality. Therefore, the demand for such goods tend to increase with a rise in their prices. वो महंगे हैं तो और उनकी डिमांड बढ़ती है। Yes, for example, branded products which are expensive are demanded even at higher prices. तो इस प्रकार से दोस्तों P से हमने पढ़ लिए 2 points यहां पर, prestige goods और price illusion। उम्मीद करता हूं दोनों ही point आप समझे होंगे। हम पढ़ रहे हैं exceptions of law of demand, answer का नाम हाय GPS। पी से 2 points पढ़ लिए, चलिए आखिरी पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यहां अगला आसान सा पॉइंट जो है वो है एस से स्पेक्यूलेशन। जी हाँ, एस से आता है स्पेक्यूलेशन, और स्पेक्यूलेशन यानी एक्सपेक्टेशन ही होते हैं। जब हम स्पेक्यूलेट करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे जाके भाव बढ़ने वाला है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे जाके भाव कम होने वाला है, तब भी हमारे डिमांड पे असर पड़ता है। हमने पिन सीट लॉट में भी पढ़ा था एक्सपेक्टेशंस के बारे में। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि आगे जाके भाव बहुत बढ़ने वाला है, इंक्रीज होने वाला है, तो हम अभी ज्यादा खरीद लेते हैं, ज्यादा स्टॉक कर लेते हैं चीजों का, ये सोच के कि यार महंगा हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। अब ये स्पेक्यूलेशन की वजह से अभी महंगा था फिर भी हमने ज्यादा खरीद लिया, ये एंटिसिपेशन में, ये स्पेक्यूलेशन में कि और बढ़ने वाला है, समझ रहे हैं आप। तो इसीलिए हायर प्राइस पे भी लोग हायर डिमांड कर देते हैं, ये सोच के कि और हायर जाएगा, और हायर जाएगा। ये स्पेक्यूलेशन शेयर बाजार की तरह ही होते हैं, और एक्सपेक्टेशंस हमेशा हर्ट भी करते हैं, तो ये लॉ ऑफ डिमांड के खिलाफ है। कई बार वाइस वर्सा भी हो सकता है, अगर आप सोच रहे हैं कि यार सस्ता होगा, सस्ता होगा, आगे जाके कम होगा भाव, तो आप अभी नहीं खरीदते, ये सोचकर कि यार बाद में सस्ता होगा तब खरीदूंगा, इससे भी आप अभी के डिमांड पे असर डाल रहे होते हैं, और इसीलिए स्पेक्यूलेशन जो है ये एक एक्सेप्शन है दोस्तों। द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू व्हेन पीपल एक्सपेक्ट प्राइसेस।
टू राइज टिल इन फ्यूचर, यानी फर्दर और राइज होगा ये सोचकर हम अभी ज्यादा खरीद लेते हैं। इन दिस केस ऑल्दो द प्राइसेस हैव राइजन टुडे, कंज्यूमर्स डिमांड मोर इन एंटीसिपेशन ऑफ फर्दर राइज इन प्राइस, यानी कंज्यूमर अभी और खरीदने लगता है ये सोचकर कि यार आगे तो और प्राइस बढ़ने वाला है। फॉर एग्जाम्पल प्राइजेस ऑफ ऑयल, शुगर एक्सेट्रा टेंड टू राइज बिफोर दिवाली, तो लोग गो ऑन परचेजिंग, सो पीपल गो ऑन परचेजिंग मोर एट हायर प्राइजेस एज दे एंटीसिपेट दैट प्राइजेस मे राइज ड्यूरिंग दिवाली। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ पर एक और आसान सा पॉइंट आप समझ गए होंगे। हमने आसान सा 6 पॉइंट का ये आंसर कंप्लीट किया है, यहाँ पे ही हमारा लॉ ऑफ डिमांड समाप्त हो जाता है। 6 पॉइंट का ये आंसर हाई जीपीएस एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड हैबिचुअल गुड्स, आई से इग्नोरेंस, जी से सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जिफिन पैराडॉक्स, इसको जरूर लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। पी से 2 पॉइंट्स हैं प्रेस्टीज गुड्स और प्राइस इल्यूजन, और आखिर में एस फॉर स्पेकुलेशन। उम्मीद करता हूँ पूरा वीडियो आपने देखा होगा, जरूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइएगा। हम ऐसे ही वीडियोज लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।